आज की इस वीडियो में हम NIPHM का विजिट करेंगे। आए हुए हैं हैदराबाद के NIPHM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर पे। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या है। ये है महात्मा गांधी ब्लॉक। यहाँ पे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ से ये जाने का रास्ता है, गार्डन्स वगैरह है, बहुत अच्छे यहाँ का व्यू है। आप भी यहाँ के सारे ट्रेनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे टाइप के यहाँ पे ट्रेनिंग होते हैं प्लांट हेल्थ से रिलेटेड, जिसका आपके रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है। और ये इकोनॉमिकली भी आपको ग्रोथ कर सकता है। इधर बहुत सारे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे टाइप के फ्लावर्स लगे हुए हैं, और फ्रूट्स के भी है, जैक फ्रूट के प्लांट्स है, और फ्लावर्स कई तरह के यहाँ पे है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के फ्लावर्स है, प्लांट्स है, और बहुत ही नेचुरल इन्वायरमेंट है। सामने में यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट सिस्टम है लेटेस्ट, आप देख सकते हैं काउडंग रखा हुआ है, इसमें से मीथेन गैस एक्सपोज हो जाएगा, उसके बाद फिर इसे वर्मी कंपोस्ट के ले जाएंगे। ये वर्मी कंपोस्ट PT यूनिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वर्मी कंपोस्ट का ये किया जा रहा है। और यहाँ पे वर्मी कास्ट का भी कलेक्शन हो रहा है, जिसे हम अगर प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा ही रिजल्ट होता है। यहाँ देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, और इसमें आपको दिखेंगे वर्म्स, और ये रहे वर्म्स। वाव, इट्स लुकिंग ग्रेट। इस फील्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन मैन्यूर ढैचा लगा हुआ है, जो कि थोड़ा और बड़ा होने के बाद इसी में इसको प्लॉ कर दिया जाएगा, और इसी में डिकम्पोज होने के बाद बहुत अच्छा नाइट्रोजन फील्ड को मिलता है इससे। और भी यहाँ पे कई तरह के प्लांट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपको ड्रम स्टिक का प्लांट है। यहाँ पे एक छोटा सा नर्सरी भी है, और इसमें बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हुए हैं, अंदर बंद किया हुआ है, जैसे ही मौका मिलेगा तो फिर हम जाके भी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं आप कई तरह के हॉर्टिकल्चर प्लांट्स लगे हुए हैं, और इधर प्लांट नर्सरी भी है। और यहाँ पे ये ट्रायल लगा हुआ है किसी का, देखिए किस तरह से यहाँ पे ट्रायल लगाते हैं। और T1R1 है यहाँ पे, T4R2 है, T6R1 है, इस तरह से कई सारे यहाँ पे। एक तो गिर भी गया है वो, दूसरा भी ट्रायल लगा हुआ है ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, तो बहुत सारे MSc और PhD स्टूडेंट्स आते हैं। स्पिनिच पे यहाँ ट्रायल लगा हुआ है, ये T1R1 है, T2R2 है, इस तरह से पूरे एक ट्रायल लगा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं आपको भी कभी अगर MSc में ज़रूरत पड़े ट्रायल किस तरह से लगाते हैं, तो आप यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। और ये बोर्ड देखिए, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ट्रायल लगाते हैं। यहाँ ये सामने प्लांट हेल्थ क्लिनिक है। वेदर बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और इतनी सारी ग्रीनरीज है कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा, इतना अच्छा यहाँ पे वेदर क्लाइमेट कंडीशंस है। और आगे हम चलते हैं, यहाँ से पॉली हाउस हम देखेंगे अभी इनका। ये है पॉली हाउस, जिसमें अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बट अभी ब्लॉक किया हुआ है, और कुछ दिनों में यहाँ पे प्लांट्स कुछ लगेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई सारे तरह के प्लांट्स लगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स और प्लांट्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बहुत सारे यहाँ पे। सनफ्लावर का भी एक ट्रायल लगा हुआ है, देख सकते हैं।
ये सनफ्लावर का तेल है। ये पूरा ट्रेनिंग हॉल ही है, यहाँ पे सभी तरह के ट्रेनिंग होते हैं। और ये जैक फ्रूट आप देखिए कितना सुंदर जैक फ्रूट लगा है, इतने छोटे से ट्री में इतना सुंदर जैक फ्रूट है इस तरह से। और सामने देखिए यहाँ पे स्मार्ट फार्मर सिस्टम लगा हुआ है, एक नया टेक्नोलॉजी है जिससे आपको सॉइल का सारे कंडीशंस, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल का टेम्परेचर सभी कुछ मालूम पड़ता है यहाँ पे। ये देखिए ये पूरा सिस्टम एक लगा हुआ है, साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे इरीगेशन के लिए ड्रिप इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड है जो कि यहाँ से रेगुलेट किया जाता है। इरीगेशन सिस्टम है प्रॉपर और सभी जगह पे, अभी तो फिलहाल ढेंचा लगा हुआ है और यहाँ पे ग्राउंड नट लगाया गया है। अभी ये ग्राउंड नट अभी लगा है, कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ग्राउंड नट लगा है। अब हम वापस चलते हैं, कुछ लेबोरेटरीज वगैरह आपको हम दिखाते हैं और एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। सामने में आप देख सकते हैं नेमेटोलॉजी ग्लास हाउस है, ये पैडी ड्रायर मशीन है, ये देखिए पैडी ड्रायर मशीन है। इसके बाद हम आपको नेचुरल रेफ्रिजरेटर दिखाते हैं जो कि फार्मर्स अपने फील्ड में भी बना सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे इसे पहली बार देखा है, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। और इसके अंदर जो भिंडी रखा हुआ, आई थिंक मोर देन 1 वीक से यहाँ पे रखा हुआ है, मैं फर्स्ट डे आज तक उसे देख रहा हूँ। बहुत अच्छा ये सिस्टम है, प्लांट हेल्थ इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, अभी क्लोज है, ये दोपहर में खुलेगी। साथ में यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, प्लॉ है, केज व्हील है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ से। ये हॉट एयर ट्रीटमेंट चैम्बर है जो फाइटोसेनेट्री ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसका भी प्रैक्टिकल होगा तब हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये एक रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होता है प्लांट क्वारंटाइन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखिए कई सारे फील्ड के लिए, फील्ड प्लॉइंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। प्लॉ है, लेबलर है, डिस्क हॉरो है, केज व्हील है, प्लैंकर है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे देखिए कंटेनर भी रखा हुआ है, ये कंटेनर फ्यूमिगेशन के लिए, फ्यूमिगेशन जो होता है एल्युमिनियम फॉस्फेट और मिथाइल ब्रोमाइड का ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है और उसको ट्रेनिंग भी दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये रखा हुआ है। हमारा हॉस्टल है जहाँ हम यहाँ रुके हुए हैं, हॉस्टल 1, और ये सामने स्पोर्ट्स क्लब है इधर। इधर भी कई सारे चीज़ें हैं, आप भी यहाँ आके खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखने को तो यहाँ बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं एक वीडियो में सारा कवर भी नहीं कर पाऊँगा, बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा ये। बहुत ही अच्छा यहाँ पे वेदर एनवायरनमेंट, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। यहाँ के सारे स्टाफ भी बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव हैं।
बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन आप कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स भी उनसे पूछते हैं तो वो ज़रूर हेल्प करते हैं आपको। तो आई थिंक आपको एटलीस्ट एक बार, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से, तो आपको एक बार तो NIPHM में आके एक कोई ट्रेनिंग अटेंड करना ही चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कितना अच्छा जगह है ये और कितना हेल्पफुल है। आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा इससे। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट आई हैव सीन एवर। और ये पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन एंड रेसिडुअल एनालिसिस सेंटर है। आप देखिए कितना सुंदर से बना। इधर भी बहुत सारा, हर जगह पे ही आपको पेड़ पौधे हरियाली दिखने मिलेगी। यहाँ भी पपाया और बनाना लगे हुए, कितने छोटे छोटे ये ड्वार्फ वैरायटी के सारे पपाया और बनाना है। अब देखिए इतने छोटे से पेड़ में कितने सारे पपाया लगे हुए हैं, मैं अभी दिखाता हूँ। जबकि इन्होंने कल परसों ही हार्वेस्ट किया है सारा पपाया, जो भी मैच्योर थे उनको। ये ऑडिटोरियम है और ये सामने एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, साथ में यहाँ पे बहुत सारे लैब है, बहुत सारे सारे में लैब्स बनाए हुए हैं। साइंस लैब है, इधर सारे लेबोरेटरीज है, ये मेन ऑडिटोरियम है और ये सारे लेबोरेटरीज इसमें इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो एक छोटा सा NIPHM का विजिट था, जहाँ हम आए हुए हैं एक फ्यूमिगेशन ट्रेनिंग के लिए, मिथाइल ब्रोमाइड और एल्युमिनियम फॉस्फेट की ट्रेनिंग के लिए।